नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हमारा हिंदी, चैप्टर तीसरा गिनती। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हमारा हिंदी, चैप्टर थ्री गिनती। आपकी फेवरेट है ना गिनती? गिनती में हमने अभ्यास एक पढ़ा, उसमें हमने गीत गान किया और सीखा। अभ्यास दो में हमने एक से दस के जो नंबर से वो गिनती सीखा। अभ्यास तीन में हमने पिक्चर सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं अभ्यास चार। पढ़िए, समझिए और बोलिए। हमें सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ना यानी कि सीखना तो होगा ना, उसके बाद हमें समझना है और बाद में क्या करना है? बोलना भी है। आप बोलोगे ना मेरे साथ? चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे साथ सब बोलना। ओके, एक एक। मैं एक बार अंक के सामने हाथ रखूंगी और बोलूंगी तो शब्द ही ना, क्योंकि अंक बोलते समय हम निकालते क्या है उच्चारण? शब्द। दो दो, तीन तीन, हो गया ना। चार चार, पांच पांच। पांच में हमें याद रखना है पा के ऊपर, इसे कहते हैं हम चंद्रबिंदु। वो कंपलसरी यानी कि आवश्यक ही होती है। ओके, सब लिखना। अब हम आगे बढ़ेंगे। वो तो डेली का ही। अब हम बोलेंगे छ। कैसे लिखना है वो तो मैंने आगे सिखाया। छ, छ के पीछे दो बिंदी आवश्यक है, कंपलसरी। सात, सात। आठ, आठ। नौ, नौ। नौ के ऊपर दो मात्रा भी आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर आपको अच्छे से अच्छे ख्याल रखना है वो शब्द मैं आपको बताती हूँ, बाकी तो आप लिख सकते हो ना। उसके बाद आता है दश। दश, उसमें क्या बताओ? एक द लिखने और एक स, जिसमें खासियत है उसे ही बता रहे हो। ग्यारह, यहाँ पर ग्यारह जॉइंट है। ओके, उसके बाद बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह। पके ऊपर बिंदी लगती है और क्रमें ऐसे नीचे करना है। ओके, उसके बाद सोलह, आपको दिख रहा है ना? यस। सत्रह, एक सात सत्रह, एक आठ अठारह, एक नौ उन्नीस। उन्नीस में दो नौ लिखने आवश्यक है, दो जीरो बीस, हो गई ना। आप बार बार घर पर प्रैक्टिस करना, आपको अच्छी तरीके से बोलना आ जाएगा। ओके, वेल। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास पाँच। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। गिनती के अंक यानी ये जो हम नंबर्स कहते हैं, यस, और शब्द यानी कि ये जो हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं उसका अनुलेखन यानी अनुलेखन यानी कि एक बार दिया गया है उसको आपको लिखना है, उसे अनुलेखन कहते हैं। अपने आप से लिखना है तो लेखन कहते हैं, लेकिन एक बार दिया गया है उसे देख कर वापिस लिखना है उसे अनुलेखन कहेंगे। ओके, तो चलो नाउ स्टार्ट, लिखते हैं। आप अपनी फेवरेट में जरूर लिखते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में आप प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं। ओके, यस, वेरी गुड। चलो हम लिखते हैं। हमने एक दस, एक से दस तक लिखना सीख लिया है। ग्यारह से बीस तक वो ये तो हम सीख जाएंगे, क्योंकि एक एक दो हमने सीख लिया है, उसे आपस में मिलाना ही है। लेकिन जो ये शब्द है आज हमें उसे ध्यान से सीखना है। एक बार पढ़ तो लिया है, अब हम लिखना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर लिखेंगे एक, और यहाँ पर लाइन है, आप देख सकते हैं लाइन है, फिर भी हमें लाइन
ना। अब होगा ये हुआ हमारा चा, च खड़ी पर र, जिसे हम गुजराती में कानो बोलते हैं उसे खड़ी पर कहते हैं हिंदी में, और जो ऊपर लाइन खींचते हैं उसे शिरो रेखा बोलते हैं। ये हुआ पांच। पांच के ऊपर चंद्र बिंदी आवश्यक है, नहीं तो मैं ब्राउन कर देगी और शायद मार्क्स भी कट हो जाएगा। शायद नहीं, पक्का वाला मैं तो करूंगी मार्क्स कट, क्योंकि पांच के ऊपर चंद्र बिंदी आवश्यक है। उसके बाद छ, तीन और छ जैसे बी और डी, ध्यान रखना है ओके। तीन का मतलब इस तरफ है जैसे हम इंग्लिश में लगते हैं, और सिक्स का जैसे उलट कर देते हैं छ का। छ हम लिखते हैं उसके पीछे ये दो बिंदी आवश्यक है, पीछे ऊपर नहीं। सात, ऐसे छोर पर रखना है सात। आठ इसी है आठ। नौ, नौ में भी हमें दिखना है, एक से उलट वाला जो होता है उसे हम नौ कहेंगे, और नौ के ऊपर दो मात्रा आवश्यक है नौ। उच्चारण बड़ा होता है नौ, ऐसे नहीं एन नौ नौ लिखते वैसा नहीं, नौ दो मात्राएं लगती है। एक शून्य दश, ये हो गई हमारी दस तक की गिनती कंप्लीट। आप रिवीजन करना ओके। एक एक ग्यारह, एक दो बारह। हाँ, लिखते समय कई बार बिंदी लगती है, लेकिन हमें यहाँ पर और लिखना है। एक तीन तेरह, देखिए यहाँ पर लाइन है, फिर भी हमें लाइन खींचनी ही है। एक चार चौदह, चौदह। एक पांच पंद्रह, पके ऊपर बिंदी आवश्यक है, घर में भी ऐसा करना है, द लिखते हैं उसमें क्रॉस करेंगे उसे द्र कहेंगे। पंद्रह, एक छ सोलह, वो इजी वाला है इसलिए उसको कोई आवश्यकता नहीं। एक सात सत्रह, एक यहाँ पर लिखेंगे एक आठ अठारह, अठारह। एक नौ उन्नीस, दो न लगेंगे उन्नीस ओके। उसके बाद दो जीरो बीस ओके। उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए आपको आ जाएगा। सुनो अब हम अभ्यास छह गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास छह। काटना इस, यहाँ से यहाँ इस, इसे क्या काटना, इसे काटना नहीं है। क्रमिक में बोलना तो आपको आता है कैसे, एक दो तीन चार, लेकिन फिर लाइन बनानी है। चलो मेरे साथ हम करते हैं, पहले एक, ये रहा हमारा एक, एक के बाद हमें दो ढूंढना है कहाँ पर है, ये रहा हमारा दो। यहाँ से हम लेके जाएंगे दो के पास है, अब क्रमिक करना है हमें, तीन ढूंढना है, ऐसे नहीं इसके पास ये एक कम कर दिया पांच पर नहीं, क्रमिक, क्रमिक यानी एक दो तीन, हम तीन ढूंढना है। यहाँ है तीन, तीन के बाद क्या आता है चार, वेरी गुड। यहाँ से चार नहीं कर सकते क्योंकि काटना बना है, ऐसे करेंगे तो लाइन कट जाएगी, हमें घुमा
सात, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर भी यस, सात के बाद आठ, यहाँ पर रहा आठ। चलो हम जाते हैं आपके पास, ऐसे करके ऐसे किसी को टच नहीं करना, ओके। ये रहा आठ, आठ के बाद क्या आता है, नौ, वेरी गुड। अब हम चलेंगे नौ के पास, नौ के बाद क्या आता है, वन एंड जीरो टेन, यानी कि एक जीरो दस। चलो दस के पास चलते हैं, मैं ऐसे चल रही हूँ, आप यहाँ से भी घुमा कर ऐसे भी जा सकते हैं, कहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन लाइन को काटना मत। दस के बाद एक एक ग्यारह, चलो चलते हैं, ग्यारह के बाद एक दो बारह, यहाँ है, चलो वहाँ चले, यस। बारह के बाद एक तीन तेरह, चलो ढूंढते हैं, यहाँ पर तो सब कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें हमारा एक तीन तेरह कहीं पर नहीं दिख रहा है, चलो ढूंढते हैं। दिखाई दिया, नहीं दिखाई दे रहा है, चलो ढूंढे। ये रहा हमारा बारह के बाद तेरह, तेरह के बाद चौदह, यहाँ पर, चलो चलते हैं, वेरी गुड। चौदह के बाद एक पांच पंद्रह, उसके बाद जो नहीं है, पंद्रह के बाद सोलह, सोलह के बाद सत्रह, मैं ऐसे घुमाना चाहती हूँ, देखो यहां से घुमा कर यहाँ सत्रह पहनना चाहती हूँ, आओगे ना मेरे साथ, चलो आप यहां से भी ले सकते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अलग तरीके से भी किया जाता है। ये हुआ सत्रह, सत्रह के बाद अठारह है, यहाँ पर है, पंद्रह को हमने ज्वाइन कर लिया है, तो हम यहाँ से जाएंगे, उस तरफ से भी आ सकते थे। ये रहा अठारह, अठारह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद बीस। अब देखो सत्रह के बाद अठारह, यहाँ से फिर से घूमकर यहाँ भी जा सकते थे, लेकिन हमें जैसा करना है, मैम ने अलग किया, हमने अलग किया, कोई बात नहीं, लेकिन लाइन मत काटना। किसे काटना कहते हैं, ऐसे करते हैं उसे काटना कहते हैं, हो गया ना कम्प्लीट। अब हम पढ़ेंगे आगे स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्वेश्चन एक, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए, उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर अंक लिए थे और ये है शब्द, यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखना है ना, चलो लिखते हैं, इसे क्या कहेंगे आप, दो, लिखो यहाँ पर दो, हो गया ना कंप्लीट, वेरी गुड। अब हम दूसरा आंसर लिखने जा रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, तीन, तो यहाँ पर भी हमें ढूंढना है, ये है तीन, अपने आप से आता है तो हम लिख सकते हैं, लेकिन सामने है यानी कि हमारी जोड़नी अच्छी रहेगी। पांच, यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, ये रहा, पर बिंदी भी है, चंद्र बिंदी, पांच वो लाइन है, फिर भी हमें हमारी लाइन तो करनी ही है, उसके बाद है छ, यहाँ रहा छ, छ हो गया कंप्लीट। उसके बाद है ये क्या कहेंगे हम, नौ, ये रहा नौ, उसके ऊपर दो मात्राएं रख रही है, ओके। उसके बाद है सत्रह, है कहाँ पर, ये रहा सत्रह, यहाँ पर लिखेंगे सत्रह। उसके बाद जाएगा अठारह, ये रहा यहाँ पर अठारह, अठारह। उसके बाद है उन्नीस, ये रहा उन्नीस, दो अलग दिया जाता है, वैसे यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखने हैं, वो हमने कर लिया, आप भी सीख जाएंगे ना, वेरी गुड। अब हम अभ्यास खत्म हो गया है, स्वाध्याय, स्वाध्याय का प्रश्न दो, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या
अंक आपको पता है ना, संख्या का शब्द भी होता है और संख्या का अंक भी होता है। यहाँ पर हमें अंक लिखना है, एक है उसके बाद क्या आता है, दो। जैसे आप छोटे थे तब मिसिंग नंबर्स इंग्लिश में, वही है ओके। तीन के बाद चार, चार के बाद पांच लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, छह। छह के बाद सात लिखा हुआ है, आठ में लिखना है। जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है, क्रमिक रूप से लिखते। नौ के बाद दस, पता है ना कैसे लिखना है। दस के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद बारह लिखा हुआ है, उसके बाद तेरह, तेरह के बाद चौदह, चौदह के बाद क्या आएगा, पंद्रह। पंद्रह कैसे लिखते हैं, ये छोर ए से होना चाहिए। पंद्रह के बाद सोलह, सोलह के बाद सत्रह। हमें क्या ध्यान रखना है पता है आपको, हमें यहाँ पर जो नंबर है उसके बाद आ जाना चाहिए, इसलिए हमारा सही रूप से ओके। अठारह के बाद उन्नीस, ए नौ उन्नीस, उसके बाद दो और शून्य बीस, हो गया आपको बॉक्स कैसे बनना था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न तीन, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। शब्द में लिखना है, क्या लिखना है, शब्द में। लेट्स गो, मेरे साथ चलो, मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए, हमें क्या लिखना है, दो। उस बार हमने अंक में लिखा था, इस बार हम शब्द में लिखेंगे। दो के बाद क्या आता है, तीन। तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस। आपको तो सब पता है, अच्छे से सीख लिया, वेरी गुड। दस के बाद ग्यारह लिखा हुआ है, हम लिखेंगे बारह। बारह के बाद तेरह, तेरह के बाद क्या लिखेंगे, चौदह। चौदह के बाद पंद्रह तो कंप्लीट है, अब हम लिखेंगे सोलह। क्या लिखेंगे, सोलह। सोलह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद अठारह, अठारह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद बीस। ये हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।